हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पीयूष टेलर है और मैं भी 10वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ और बोर्ड का एग्ज़ाम मैंने ख़त्म करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हिंदी कोर्स ए का सेट टू है, कोड नंबर 342। ठीक है, ये मैं आपको आंसर भी बताता जाता हूँ साथ ही साथ, जैसे कि जो मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो इसमें क है तो क का आंसर पैराग्राफ वन में आपको मिलेगा, जो कि जो से लेकर पढ़ता है तक बिताना पड़ता है, यहाँ तक ये आंसर है। इसमें आपको थोड़ा मन से भी लिखना पड़ता है, जैसे कि मैं बताता हूँ, चोर किसे कहा गया है और क्यों। तो इसका होगा, चोर जो काम नहीं करते उन्हें कहा गया है। भारत में आज भी अनेक लोगों को लाचारीवश ही सही आधे साल तक चोरों का सा जीवन बिताना पड़ता है। ठीक है, फिर ख है, ख में पैराग्राफ टू में ये लाइन मिलेगी, आधुनिक मानव जाति से लेकर संदेश दे सकता है यहाँ तक। फिर स्वराज प्राप्ति के लिए इसकी किसकी शरण की बात की जा रही है और क्यों, तो वो चरखे की बात की जा रही है। आत्मा के खातिर कौन सी चीज़ है, तो वो विकास, आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता स्वतंत्रता के खातिर ये जो है। फिर है, लेखक की दृष्टि में विशाल कारगर क्या है, तो वो भारत है। फिर उपयुक्त शिक्षक मैंने लिखा था स्वराज का चरखा, या फिर लिख सकते हैं चरखे की स्वाधीनता। फिर क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। इन खबरों में हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, ये जो खबरें थी उनसे हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। ख, इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज बंचक की लाट थी उसकी नाक गायब हो गई। जो से लेकर ये आश्रित वाक्य हो जाएगा और उसका भेद हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। फिर है, मुड़कर देखा तो वो अवाक रह गए, रचना के आधार पर इसका भेद लिखना था, तो मैंने तो लिखा है वैसे संयुक्त वाक्य। बीज इकट्ठा, फिर ग है, बीज इकट्ठा हो तो सूरजमुखी की खेती की जाएगी, तो मैंने लिखा था इसका बीज इकट्ठा होते ही सूरजमुखी की खेती की जाएगी। फिर है, आओ बैठा जाए, आओ बैठे, अब चले अब चला जाए, नवाब साहब द्वारा संगीति के लिए उत्साह नहीं दिखाया गया, उन्होंने उनके द्वारा हम बुलाए गए। फिर है, नहीं नहीं होगा क्रिया विशेषण नकारात्मक, जागी मैंने लिखा था क्या व्यवस्था होगी, हाँ, तो इसका मैंने लिखा था सकर्मक क्रिया, और इसके बाद जो था लिंग पुलिंग जो भी था, और भूतकाल मैंने इसका लिखा था। सहसा एक चमत्कारी सूर्य, तो सूर्य इसमें होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसके बाद के जो रिलेशन्स है वो भाई के साथ, तो मैंने इसका लिखा था जातिवाचक संज्ञा, और मैंने इसका कारक लिखा था। फिर है क का इसमें होगा ये जो रस है, रस होगा इसमें वात्सल्य रस। करुण रस का एक उदाहरण आपको लिखना था, आलंबन आपकी डेफिनेशन लिखनी है, और उदाहरण दे तो सही, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर इसमें उत्साह किस रस का है, तो वो होगा वीर रस। गोपे की वीर दशा क्या थी, तो वो वीर दशा थी वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स है, यहाँ पर आग बुबला होना, गुस्सा होना, और फिर जो भी था आंसर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। ठीक है, फिर 10, 10 में कोई दो करने थे। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर इलेवन में 3 टॉपिक दिए थे मैंने, आधुनिक जीवन शैली और स्वास्थ्य के ऊपर लिखा था, 3 पेज का मैंने ये लिखा था मैंने, और हाँ 3 पेज का मैंने लिखा था, और ये जो 5 संकेत बिंदु थे उनके बारे में। फिर स्वच्छता अभियान के ऊपर मैंने लेटर लिखा था संपादक को, फिर और नाम मैंने क का डाला था। फिर प्रकृति की रक्षा से धरती और मानव जाति की रक्षा संभव है, ये मैंने 28 शब्दों में लिखा था, नहीं सॉरी, मैंने ये कम से कम 35 या 38, हाँ 38 पेज ये शब्दों में लिखा था, और एक थोड़ी सी ड्राइंग बनाई थी। तो ये हमारा पेपर है हिंदी सेट टू का, ये कंप्लीट होता है। जो भी 9th वाले जो 10th में आने वाले हैं, ये उनके लिए ना अच्छा साबित, मतलब कि अच्छा पेपर है वैसे तो, ये जो डरने की कोई बात नहीं है। थैंक यू।